मऊरानीपुर के दमेले इंटर कॉलेज की छात्रा और छात्राओं व शिक्षकों को आग लगने के बाद आग से बचने व बुझाने के पुलिस ने उपाय बताए। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा समूचे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाकर लोगों को आग लगने के बाद क्या उपाय करने चाहिए तथा किस तरीके से अपना बचाव करना चाहिए, इसके बारे में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे कि कोई जनहानि ना हो सके। इसी के चलते झांसी जनपद के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मऊरानीपुर के एक कॉलेज में स्कूली छात्र शिक्षकों को कार्यक्रम आयोजित कर आग लगने के बाद क्या क्या उपाय करने चाहिए तथा किस तरीके से अपना बचाव करना चाहिए आदि के बारे में जानकारियां दी। मऊरानीपुर फायर ब्रिगेड के प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ नगर के दमेले इंटर कॉलेज पहुंचकर विद्यालय के छात्र छात्राओं शिक्षकों को आग लगने पर क्या क्या उपाय करना चाहिए तथा आग से किस तरीके से बचना चाहिए आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही बच्चों व शिक्षकों को उन्होंने बताया कि आग बुझाने के उपकरणों को हमेशा अपने विद्यालय में उपलब्ध रखें, जिससे कि अगर कभी भविष्य में आज की कोई घटना घटित होती है तो आप स्वयं आग पर काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर आग अपना विकराल रूप धारण करती है तो तत्काल 100 नंबर पुलिस को सूचना दें। 100 नंबर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा सकती है तथा जनहानि होने से बचाया जा सकता है। आज हमारे विद्यालय में फायर ब्रिगेड वाला आग बुझाने वाला कार्यक्रम पुलिस इंस्पेक्टर साहब के द्वारा किया गया है और उनका स्टाफ भी आया था और बच्चों को इकट्ठा किया गया और सिलेंडर मंगाया गया विद्यालय का और आग बुझाने का डेमो दिया गया। बच्चे बड़े उत्साहित थे, बच्चों ने बड़े उत्साह से देखा, क्योंकि देखना भी चाहिए जब कभी ऐसी घटना हो जाती है, घटित हो जाती है, तो ये डेमो इसलिए बताया जाता है कि बहुत इस डेमो के जरिए ये बच्चों को संदेश दिया जाता है कि कितने जल्दी आग पर काबू पाया जा सकता है, उसको बुझाया जा सकता है।